ग्लोबल फेम अवार्ड्स 2023 की शानदार शाम। अवार्ड से नवाजे गए सितारे। रेड कार्पेट पर दिखा सितारों का जलवा। बीती रात हुए ग्लोबल फेम अवार्ड्स 2023, जिसमें शामिल हुए कई सारे सितारे, जैसे कि सोनू सूद, जिन्होंने सभी को अवार्ड प्रेजेंट किया, और ये हैं इस शाम के खास मेहमान। जी हाँ, इसके अलावा इस अवार्ड फंक्शन में नजर आए सुजिता डे, मान्या सिंह, आकांक्षा पुरी, सलमान यूसुफ खान, जिन्हें अवार्ड्स मिले, और इनके लिए ये शाम बन गई और भी ज्यादा खास। भाई शाम खास है तो लुक भी खास ही होगा ना, इसीलिए तो इस अवार्ड फंक्शन में ये सभी सज धज कर पहुँचे। तो आइए इन सितारों से ही जानते हैं ग्लोबल फेम अवार्ड्स के बारे में, और साथ ही इन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। Whatever they achieve, I think is very important to bring to the notice of every single individual, and they've been doing not only now, it's a great platform to be in Bombay, but otherwise also across the country they have done, and they've recognized the talent, which is commendable. इससे ऊपर कुछ चीज़ नहीं है, you know, आप सब काम करते हैं, फिल्में करते हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनते हैं, but I feel दुआएँ जो होती हैं उसमें बड़ी ताकत होती है, and it's always you know, you feel blessed to be a part of a world which has so many prayers for you. मैं ज़्यादा excited. मम्मी ज़्यादा excited है, but obviously बहुत खुशी हो रही है in the category of most stylish act, in the category of most stylish actress. So I'm very very happy. मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत grateful हूँ कि आप सबका इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, support मिल रहा है. तो ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. एक कैबिनेट बनाने का सोच रही हूँ, बहुत जल्दी एक ग्लास कैबिनेट बनाएंगे, और ऐसे ही अवार्ड्स मिलते रहे. जब हम कुछ चीज़ जीतते हैं ना, तो दैट इज़ द राइट मोमेंट टू कैश एवरीथिंग. यू नो, मेहनत उसी टाइम पे लगती है, क्योंकि जब एक बार मेमोरी बड़ी छोटी होती है लोगों की, तो एक जब वो समय रहता है ना, उसमें आपको मेहनत करनी होती है कि आपको और लोग जाने. एंड ही इज़ डूइंग द राइट थिंग, आई थिंक. यू नो, आप media and everything will capture when he'll be more successful. Thank you, most popular face again. So in this category I'm getting an award again, so I'm very happy that I'm getting popular and people are loving me. No matter whatever I'm doing, whether it's my show, whether it's my OTT web series songs, people are loving me, and thank you, keep loving me like that. ये award तो मैंने अपनी मेहनत से जीता है, तो अपने आप को ही dedicate करूँगी. But definitely आप लोग के बिना मैं कुछ नहीं हूँ. सबका प्यार नहीं होगा तो popular का आप market से कब चले जाते हैं आपको पता नहीं लगता. तो I'm here to stay and I'm happy that I'm getting. बस अभी मैं dubbing finish करके आ रही हूँ, so I'm very happy कि मेरा Netflix का project एकदम ready है release के लिए, and सबके shoots हो गए हैं. तो बहुत जो मेहनत करी है, बस अब रंग लाएगी इस साल. सो दिस ईयर आई स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट एंड लॉट्स कमिंग माय वे. सी, रोल तो सब में अलग अलग हैं, एंड मैं खुश हूँ कि मुझे सब में वैरायटी मिली. बिल्कुल टीवी में जो मैंने किया था उससे बिल्कुल अलग. कहीं एक्शन है, कहीं मैं पॉलिटिशियन हूँ, कहीं डांसर हूँ, तो कहीं एक फैशन मॉडल. सो आई हैव गिवन यू हेवन. इन व्हिच कैटेगरी? यार ये बड़ा ही पेचीदा कैटेगरी है, फैशन आइकन मेल. जो मुझे सच में समझ में नहीं आया कि फैशन आइकन मेल क्या होता है. आई लाइक व्हाट आई वेयर, आई एम कंफर्टेबल व्हाट आई वेयर, एंड इफ यू आर गेटिंग अवार्डेड फॉर दैट देन व्हाई नॉट. इस अवार्ड शो के आयोजक हैं श्रीधर वर्मा और अमृता रॉय, तो आइए उनसे भी करते हैं खास बातचीत. सबसे पहले तो ये ग्लोबल फेम अवार्ड्स 3.0 है, ये थर्ड एडिशन है. हम लोगों ने ग्लोबल फेम अवार्ड्स इसके पहले विपाशा जी के साथ किया था, देन नेहा धूपिया इन मुंबई, एंड नाउ सोनू सूद. वाई सोनू सूद? आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगी, बिकॉज उनसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल रियल लाइफ हीरो कोई नहीं है, जिससे हर एक यू नो सेक्टर के लोगों को या इंडस्ट्री के लोग उनसे रिलेट करते हैं. एंड सोनू सूद जी के साथ अवार्ड शो करना ही ये बहुत बड़ा बात था, एंड दिस वो हार्ड वर्क ऑफ लास्ट 6 months, एंड सारे लोग ऑन बोर्ड है, और यहाँ पे लोग हर एक इंडस्ट्री से, डिफरेंट सेक्टर्स से, यू कैन से जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक लोग आए हुए हैं. सो इन
और ये बहुत ही छोटा सा एफर्ट है हमारी तरफ से कि लोगों को अच्छी उनके काम के लिए सराहा जाए, उनको ऑनर किया जाए. सो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल एफर्ट व्हाट वी आर डूइंग. वी आर गिविंग प्लेटफॉर्म्स टू दो स्टार्टअप्स, प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस पीपल जो कि वाकई में इस मंच के हकदार हैं. ये सच बोल रहे हैं आप, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो बड़े शहर होते हैं दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, मंच मिल जाते हैं, लेकिन छोटे शहर कहीं ना कहीं जो है वो पीछे रह जाते हैं. तो डेफिनेटली हम वो काम कर रहे हैं ताकि उनको इतना बड़े मंच पे, जब सोनू सूद जी खुद अवार्ड दे रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. तो ये छोटे शहर के लोग जो है ये रियल हीरोज हैं, दे आर यही नया भारत है बेसिकली. आप कहिए ये जितना भारत अभी जो हमारा बढ़ रहा है, तो दिस इज़ द न्यू बिगनिंग ऑफ आर न्यू इंडिया एंड ये आगे जाएगा. एंड डेफिनेटली छोटे शहर का बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आने वाला है. एब्सोल्युटली, बहुत बड़ी टीम है, बहुत लोगों की मेहनत लगी है. एंटायर टीम ऑफ वी कनेक्ट स्टार इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट, आर पार्टनर्स फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी टू मीडिया टू एवरी वन एसोसिएटेड विद वी कनेक्ट स्टार इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट, जो हर साल हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं. एंड वो 100 अवॉर्डीज जो आज इस मंच पे जिनको अवार्ड दिए गए हैं फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और विश देम ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर. एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात है कि जितने अवार्डीज आए हैं उनको सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा. जितने मीडिया के बंधु आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद. और स्पेशल जो है मेरा धन्यवाद रहेगा उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने ये मंच को तैयार करने हमारी मदद की है. बहुत बड़ा मंच है और सबको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, आई एम श्योर फॉर दिस. तो अगेन अ वेरी बिग थैंक्स टू एवरीवन. जस्ट टू ऐड ऑन, अमित जी आज सिर्फ नामचीन मीडिया प्रोफेशनल ही नहीं है, आज इस मंच पे एक अवार्डी के तौर पे आए हैं, तो ये उनको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू अमित जी. ये अवार्ड्स ही हैं जिनके जरिए सितारों को उनके काम के लिए सराहा जाता है और उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है, जिसे पाकर सितारे भी काफी खुश हो जाते हैं. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें. नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां.